आज हम फाइंड आउट करेंगे मैक्सिमम ऑफ थ्री नंबर्स बाय यूजिंग सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस की हेल्प से तीन नंबर्स में सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा होगा ये फाइंड आउट करेंगे आज हम इस वीडियो के अंदर। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके लिए जो प्रोग्राम है वो कैसा रहने वाला है। तो सी प्लस प्लस में प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले हमें हेडर फाइल्स को इंक्लूड कराना होगा। तो जैसे कि ये प्रोग्राम थ्री नंबर में से मैक्सिमम एक नंबर को डिस्प्ले कराने का है, तो इसमें हमें सिर्फ एक ही हेडर फाइल चाहिए, वो है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम बेसिकली हम यूज़ करते हैं इनपुट आउटपुट फैसिलिटीज़ के लिए। जितने भी इनपुट आउटपुट हमारे फंक्शंस हैं उनको हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकें, इसीलिए हम इंक्लूड कराएंगे अपनी हेडर फाइल आईओ स्ट्रीम को। तो सबसे पहले लिखते हैं हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। अब हम यूज़ करेंगे नेम स्पेस का, तो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब हम अपना मेन फंक्शन जो है उसको स्टार्ट करेंगे इंट मेन, और यहाँ पर हमारी ब्रेसेस। तो इन ब्रेसेस के अंदर हम अपना जितना भी कोड होगा, जितनी भी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होंगी वो सब लिखेंगे। तो जैसे कि प्रोग्राम है थ्री नंबर्स इनपुट कराना यूज़र से, और फिर उसमें से जो मैक्सिमम नंबर है उसको डिस्प्ले कराना, तो इसका मतलब तीन वेरिएबल बनेंगे। मैं तीन वेरिएबल बना लेती हूँ ए बी सी। ये तीन वेरिएबल तीन नंबर्स को स्टोर कराएंगे। यूज़र जो भी तीन नंबर्स एंटर करेगा उनको इन तीन वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। अब हमें एक वेरिएबल और चाहिए मैक्स, जिसके अंदर हम अपना जो भी मैक्सिमम नंबर होगा उसको स्टोर कराएंगे। तो अब यहाँ पे हमने वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर दिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर यूज़र से एंटर करने को बोलेंगे थ्री नंबर्स। हम यूज़र से तीन नंबर्स लेंगे, तो सी आउट एंटर थ्री नंबर्स। अब इसके बाद हम सी इन की हेल्प से इनको स्टोर करा देंगे अपने वेरिएबल के अंदर। जो भी वैल्यू यूज़र ने एंटर करी होगी उनको अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देंगे। इसके बाद अब हम मैक्सिमम निकालना है, तो ये हम करेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट की हेल्प से। यहाँ पे सबसे पहले हम इफ़ का यूज़ करेंगे और ए ग्रेटर देन बी एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हुए ए ग्रेटर देन सी। ये आप देख सकते हैं, ये जो मैंने इसके अंदर एक्सप्रेशन दिया है इफ के अंदर, तो ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, मतलब कि दोनों ही जो कंडीशन है जब वो ट्रू होंगी तभी हमारा ये जो इफ का ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा। तो अब इसका मतलब है अगर ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, मतलब कि ए जो है वो क्या है, मैक्स है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया मैक्स क्या है, हमारा ए। अब इसके बाद जब हमने मैक्स निकाल लिया है इस वाले केस में, तो अब हम एल्स का यूज़ करेंगे जब ए क्या है, बड़ा नहीं है बी से और सी से। अब जब यहाँ पे एल्स लगाया तो इसका मतलब है कि ये वाली जो कंडीशन है ये हमारी फॉल्स हो गई है, मतलब कि अब ए लेस देन बी और ए लेस देन सी ट्रू है। तो अब यहाँ पर हम इफ़ लगाएंगे एक और एल्स के अंदर, यहाँ पर हम बोलेंगे कि बी इज़ ग्रेटर देन सी। अब हमने बोला कि बी अगर ग्रेटर देन सी है तो मैक्स क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। अब अगर यहाँ पर ये इफ़ वाला ब्लॉक जो है ये जो है फॉल्स हो जाता है, तो हमारे पास एल्स कंडीशन आएगी और एल्स के अंदर हमारा मैक्स जो है वो हो जाएगा सी, क्योंकि अब ये वाली जो कंडीशन है ये फॉल्स हो गई है और सी ग्रेटर देन पी हो गया है, तो यहाँ पर मैक्स भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हमने मैक्स जो वेरिएबल है उसमें मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर करा लिया है सारे केसेस के लिए, जब ए ग्रेटर देन और अदर टू से, और बी ग्रेटर देन है अदर टू नंबर से, और सी ग्रेटर देन है अदर टू नंबर से। तो तीनों ही केसेस के लिए हमने मैक्स के अंदर वैल्यू को स्टोर करा लिया है। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट डिस्प्ले करा देंगे स्क्रीन पे हमारे मैक्सिमम नंबर को। तो अब हम यूज़ करेंगे सी आउट मैक्सिमम ऑफ थ्री नंबर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देंगे हम मैक्स और यहाँ पर आ जाएगा आपका एंड एल। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब जैसे कि मेन फंक्शन जो है हमारा उसमें हमने इंट टाइप को रिटर्न किया था, तो अब यहाँ पर हमें रिटर्न जो है ज़ीरो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी रिटर्न ज़ीरो। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है वो कम्प्लीट हो गया है। आई होप आपको प्रोग्राम जो है वो समझ आया होगा। तो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, बिल्ड करके देखते हैं पहले। तो सबसे पहले मैं इसको बिल्ड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बिल्ड का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं नीचे आ रहा है ज़ीरो एरर्स ज़ीरो वार्निंग्स, मतलब कि ये जो प्रोग्राम है बिल्कुल करेक्टली बना है, इसमें कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग्स नहीं है। तो अब हम इसे
रन करके देख सकते हैं। सो यहाँ पे मैं रन पे क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है एंटर थ्री नंबर्स, तीन नंबर्स एंटर कीजिए। तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगी 45, 12 एंड 89। सो ये देखिए मैक्सिमम ऑफ थ्री नंबर्स इज इक्वल टू 89। यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट है वो आ गया है, तीन नंबर्स का जो मैक्सिमम है 89 वो आपको इसने डिस्प्ले करा के दे दिया है। तो आई होप आपको ये जो प्रोग्राम है वो समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।